वीडियो में इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। बताना है आपको काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में है। तो देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क आपके असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर बात करें कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, तो देखिए ये फेमस है आपका वन हॉर्न राइनासोरस, एक सिंह वाले राइनासोरस के लिए ये फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज नो एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप सिटी के जगह स्टेट कर लो। विच स्टेट इज नो एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, मसालों का बागीचा कौन से राज्य को कहते हैं। तो देखिए, मसालों का बागीचा कहते हैं हम केरल को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से स्टेट की सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, मतलब कहाँ कौन से स्टेट के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो देखिए, ये स्टेट है आपका ऑप्शन नंबर ए केरल, जहां में 94% लोग पढ़े लिखे हैं उस स्टेट के। विच स्टेट हैज लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिटरेसी रेट कौन से स्टेट की है। तो देखिए, सबसे कम लिटरेसी रेट है बिहार की, जो बस 66% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ स्टार इज नो एज, अ स्टार के ग्रुप को क्या कहते हैं, गैलेक्सी, यूनिवर्स, सैटेलाइट या फिर प्लैनेट। तो देखिए, स्टार का जो ग्रुप होता है ना, उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए गैलेक्सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नो एज, यूनिवर्स के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कहते हैं ऑप्शन बी कॉस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नो एज रेड प्लैनेट, लाल ग्रह किसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी मार्स। अगला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध कौन से आर्टिकल से है। तो देखिए, इसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सिटीजनशिप इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। देखिए, सिंगल का मतलब हुआ कि अगर आप भारत देश में रह रहे हो तो आपको भारत की ही नागरिकता मिलेगी। ऐसा नहीं कि अगर आप यूएसए जा रहे हो, आप सोचते हो कि मुझे यूएसए की भी नागरिकता मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको यूएसए की नागरिकता लेनी है तो आपको भारत की नागरिकता रद्द करनी पड़ेगी, तब आप वहां की नागरिकता ले सकते हो। अगर आपको भारत का सिटीजन बन के रहना है तो बस आप यहां की ही नागरिकता लेके रह सकते हो। तो ये पूछ रहा है कि सिंगल सिटीजनशिप का जो है कानून, ये कहां से लिया गया। तो देखिए, ये लिया गया आपका यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 साल, और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 साल का। अभी कौन है प्रेजेंट, द्रौपदी मुर्मू सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट, और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, ये भी आपको याद रखना है। तो ये थी आपकी प्रतिभा पाटिल, और ये है द्रौपदी मुर्मू, सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अभी आपने प्रेसिडेंट का मिनिमम एज देखा कितना था, 35, तो आपको प्राइम मिनिस्टर का मिनिमम एज, मतलब न्यूनतम आयु बताना है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर की न्यूनतम आयु होती है 25, और इनका टेन्योर भी 5 साल का ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो देखिए, दुनिया का सबसे छोटा देश है आपका ऑप्शन नंबर डी वैटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरब, सऊदी अरब की कैपिटल क्या है। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, ऑप्शन नंबर ए। इसका भी मैं बता देता हूँ, पेरिस जो है वो फ्रांस की कैपिटल है, लंदन यूके, यूनाइटेड किंगडम, क्विटो इक्वाडोर की कैपिटल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के ऑथर कौन है। तो देखिए, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के ऑथर है ऑप्शन नंबर डी युवराज सिंह। अगला क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे इट्स एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ
देखिए ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद से लिखा गया, तो प्लेइंग इट माई वे किन्होंने लिखा खुद से अपने बारे में। तो देखिए ये बुक है, लिखा है सचिन तेंदुलकर,